अखबार की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है जैना ज्वेलर्स आबुलेन मेरठ। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी व नारायण राणे के साथ फोटो, लुकआउट जैसी ख्याति प्राप्त पत्रिका में इंफॉर्मेशन। प्रसिद्ध लेखक चेतन भगत द्वारा वर्ल्ड स्टार्टअप मेगा कन्वेंशन के लिए प्रचार करना, इन सभी कोशिशों को किसी भी इवेंट की सफलता की गारंटी कहा जा सकता है। और फिर यदि पीएम मोदी के साथ ट्विटर मालिक और सितंबर 2021 से दुनिया के सबसे अमीर शख्स रहे एलन मस्क के आने का भी प्रचार किया जाए तो सोने पे सुहागा। रही सही कसर नितिन गडकरी के साथ उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी, यूपी डिप्टी चीफ मिनिस्टर केशव प्रसाद मौर्य, केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया के पोस्टर वे आने की खबर ने पूरी कर दी। इसके साथ ही देश के स्टार्टअप फाउंडर को सब्जात दिखाया गया था कि 50 मुल्कों के 75,000 स्टार्टअप सर्विस प्रोवाइडर, 1,500 इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर और 9,000 एंजल इन्वेस्टर दुनिया के सबसे बड़े स्टार्टअप फंडिंग फेस्टिवल में भाग लेने जा रहे हैं। इन दिनों आर्थिक तंगी से जूझ रहे स्टार्टअप फाउंडर को इससे एक उम्मीद की किरण दिखी थी। अपना सब कुछ दांव पर लगाकर मोटी धनराशि पे करके वे एक्सपो सेंटर एंड मार्ट नॉलेज पार्क ग्रेटर नोएडा पहुंचे, लेकिन वहां ऐसा कुछ नहीं था। समझते देर नहीं लगी कि मेरठ के IHM यानी इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट से निकले अर्जुन चौधरी व उसके साथी ड्यूक तलवार द्वारा बुने गए मायाजाल में फंस चुके थे और ठगे जा चुके थे। अर्जुन चौधरी व ल्यूक तलवार इस वर्ल्ड स्टार्टअप कन्वेंशन के सह संस्थापक हैं। दोनों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई गई लेकिन कुछ नहीं हुआ। अर्जुन चौधरी व ल्यूक तलवार अमृत महोत्सव का लोगो लगाकर करोड़ों रुपए ठग कर फरार हो चुके हैं। अब विश्वास की गंगा में स्टार्टअप फाउंडर को गोते लगवाने वालों में शामिल इन्फ्लुएंसर चेतन भगत, प्रफुल्ल बिलोरे, राज शामानी, अंकुर वारी को अपना पल्ला झाड़ कर किसी और के सपनों को हवा देने निकल गए हैं। I'm चेतन भगत, let me tell you the biggest mistake you can make as a startup founder, opportunity को recognize नहीं करना। The biggest funding festival, World Startup Convention is happening in Noida from the 24th to the 26th March, where you can get funding in just 3 days. You will have a chance to pitch in front of 1500 VCs, 9000 plus angel investors, and of course also network with 75,000 plus startups. बहुत हुआ ज्ञान, अब फंडिंग की बारी है। लिमिटेड स्लॉट्स है, फटाफट टिकट बुक करो। स्टार्टअप कन्वेंशन 2023 24 से 26 मार्च ग्रेटर नोएडा में हो रहा है, जहां 1500 इन्वेस्टर्स, 9000 एंजल इन्वेस्टर्स, भारत के लीडिंग बैंक्स और 75,000 स्टार्टअप्स अवेलेबल होंगे अंडर अ सिंगल रूफ। आप इन सब लोगों को डायरेक्टली अपने आइडिया पे पिच कर सकते हैं। तो चाहे आप अपने आइडिया के बारे में सोच रहे हो या आप फंडिंग उठा चुके हैं सीरीज ए बी या सी, ये स्टार्टअप कन्वेंशन इज गोइंग टू हेल्प यू टेक योर स्टार्टअप टू द नेक्स्ट लेवल। रजिस्टर ऑन www.worldstartupconvention.com। Passes are limited. प्रधानमंत्री मोदी की अति महत्वाकांक्षी स्टार्टअप योजना को पलीता लगाने के लिए आज से 9 माह पूर्व IHM मेरठ से निकले अर्जुन चौधरी व ल्यूक तलवार ने ताना बाना बना था। लोग उन पर यकीन करें इसके लिए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात की और फिर इसको प्रचारित किया गया। लुक आउट जैसे पत्रिका में छपे लेख में दोनों नितिन गडकरी के साथ खड़े हैं। हिंदुस्तान टाइम्स ने अर्जुन व ल्यूक के हवाले से बताया कि अब तक फंडिंग के लिए 1,00,000 से ज्यादा एप्लीकेशन उनके पास आ चुकी है। नोटेबल इन्वाइटीज में पीएम मोदी, गौतम अडानी, एलन मस्क, शेख हमदन के नाम बताए गए थे। कुछ समय बाद पीएम मोदी इस पोस्टर से बाहर हो गए और उनकी जगह एलन मस्क प्रमुखता से प्रकाशित किए गए। फिर कुछ समय बाद एलन मस्क व गौतम अडानी भी बाहर हो गए और उनकी जगह पोस्टर में नितिन गडकरी, उत्तराखंड सीएम पुष्कर सिंह धामी, यूपी डिप्टी चीफ मिनिस्टर केशव प्रसाद मौर्य, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया को प्रमुखता दी गई। 24, 25 और 26 मार्च को आयोजित वर्ल्ड स्टार्टअप कन्वेंशन में सब पहुंचे, लेकिन जिनके नाम पर मोटे फंड को फाउंडर अर्जुन चौधरी व ल्यूक तलवार ने जेल में डाला था वे नहीं आए। जिन इन्फ्लुएंसर ने खुद वहां पहुंचने की बात कही वो भी नहीं पहुंचे। कारण साफ था, सभी अपना काम और जेब भर चुके थे। एक उम्मीद की किरण लिए वहां पहुंचे स्टार्टअप फाउंडर की जेब पर डाका डालकर। सवाल उठता है कि सरकारी मशीनरी का इस स्कैम में खुलकर दुरुपयोग किया गया, लेकिन किसी को खबर नहीं पहुंची।
मेरठ निवासी अर्जुन चौधरी के पिता विनय चौधरी का मेरठ गर रोड पर एलिगेंट होंडा नामक शोरूम है। टीथ क्लीनिंग, डेंचर, डेंटल ज्वेलरी, फेशियल एस्थेटिक सर्जरी, रूट कैनाल, फ्लैप सर्जरी की दुनिया का अनुभवी नाम डॉक्टर पुनीत कालरा, डॉक्टर शिवानी कालरा, कालरा डेंटल केयर एंड फेशियल ट्रॉमा सेंटर, आनंद हॉस्पिटल या ओषा कॉम्प्लेक्स, ईवेस्ट चौराहा, मेरठ।